दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद अब आपकी नजरें दूसरे राज्यों पर हैं। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब पार्टी के विस्तार में भी जुट गए हैं। रामलीला मैदान में तीसरी बार जब वो दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने इसका इशारा भी दे दिया था। तो किस राज्य पर है केजरीवाल की नजर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 16 फरवरी का दिन था और रामलीला मैदान में लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। मंच पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हुआ तो केजरीवाल मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जीत पर जनता को धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही कहा कि सब लोग अपने अपने गाँव में फोन करके बता देना, हमारा बेटा सीएम बन गया है, अब चिंता की बात नहीं है। रामलीला मैदान में जुटे लोग केजरीवाल की जीत से वैसे ही खुश थे, तो फिर ये फोन किसे करना है? जाहिर सी बात है कि दिल्ली में तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि केजरीवाल का पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा था। तो फिर फोन किसे और कहां करना है? इस फोन में ही छिपी है केजरीवाल की आगे की रणनीति। जी हां, केजरीवाल के निशाने पर इस साल के अंत में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार के करीब 15 से 17 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं। बिहार का ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ के 8-10 लोग इस समय दिल्ली में ना रहते हों। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इनमें से अधिकांश लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डाला था। यहां तक जिन सीटों पर जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार थे वहां भी बिहार के लोगों की पसंद केजरीवाल ही रहे। केजरीवाल का संदेश इन्हीं लोगों के लिए था कि वो बिहार में अपने घर पर आपकी जीत और उसके कार्यकाल का प्रचार करें। अब बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनावों को लेकर कल केजरीवाल आपकी ओर से सीएम पद के उम्मीदवार का भी ऐलान कर सकते हैं। और जो नाम इस समय सबसे आगे बताया जा रहा है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान जेडीयू से बाहर कर दिए गए थे। प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव में काम करने का अनुभव है और उन्हें चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। प्रशांत किशोर का गाँव रोहतास के कोनार में है, लेकिन उनके पिता श्रीकांत पांडे बक्सर में बस गए, जहां से पीके ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। राजनीति के लिहाज से देखें तो बिहार में हमेशा से नए राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। कई बार ये प्रयोग सफल भी रहे, जिसने देश की राजनीति भी बदली है। उत्तर भारत में बिहार ही पहला बड़ा राज्य है जिसने सबसे पहले कांग्रेस को नकारा। पिछले चुनाव में धुर विरोधी लालू और नीतीश एक मंच पर आए तो बिहार की जनता ने इन्हें भी स्वीकारा। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी बिहार की ओर अपने कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है और प्रशांत किशोर के रूप में इस समय उसके पास सफल चुनाव रणनीतिकार भी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।